जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। अरे भाई, ये सब लोग आर्ट इंटीग्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं? कहां से हम सब्जेक्ट्स के अंदर आर्ट को डालेंगे? ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत बार हो रहा है ना सबको। चलिए ठीक है, तो ये क्यों आर्ट्स की बात हो रही है, कैसे हम इंटीग्रेट करें, कौन कौन सी आर्ट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी बात आज हम लोग अपने वीडियो के अंदर करेंगे। इसको जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हो या कमेंट हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में। तो इससे पहले कि हम मॉडर्न मैन बनते, अर्ली मैन के जमाने से ही जो केव्स के अंदर लिखी गई थी जो जिसको हम आज ज्ञान समझकर निकालते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, दैट वाज ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट। आर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अभी मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी, है ना। हमारे मंडाला आर्ट की एक बात होती है, मंडाला आर्ट जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हर एक के अंदर संस्कृत के एक वर्ड सर्कल से लिया गया है। सर्कल का क्या होता है? देयर इज नो एंड टू लाइफ एंड यू कैन गेन योर स्पिरिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आर्ट जो हम मैन के लिए या ह्यूमन बींग के लिए, मैन बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ लोग बोलेंगे आपने वुमन नहीं बोला, है ना। तो ह्यूमन बींग के लिए आर्ट बहुत सारे तरीकों से है, मतलब आप जो भी चीज करते हैं, कार बनती है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी हो रही होती है, आपके सिस्टम्स बन रहे होते हैं तो क्रिएटिविटी हो रही होती है। आईफोन बहुत ही पॉपुलर है, उसके अंदर कितनी सारी क्रिएटिविटी, तो डिजाइन का बड़ा वो है, और आजकल तो डिजाइन थिंकिंग की बात करने लगे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्ट क्या है। तो बेसिकली आर्ट क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग किसी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है उसको कहते हैं आर्ट। ये वर्बल हो सकता है, ये रिटन हो सकता है, इनएक्टमेंट हो सकता है, विजुअल फॉर्म हो सकता है, या कोई भी ऐसा पोटेंशियल तरीका जिससे ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट कर पाए। यहां पर एक और बात ध्यान रखें, आर्ट बहुत इंक्लूसिव होती है, जो डेफ एंड ब्लाइंड या दिव्यांग लोग होते हैं ना, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। माइम के बारे में तो आपने सुना ही है ना, जहां पर वो बिल्कुल डार्क कपड़े पहनकर, व्हाइट पेंट लगाकर, कितना ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन है। तो देखिए, आर्ट के ना अनगिनत एक्सप्रेशन हैं, और इसकी वैल्यू को एनसीएफ ने समझा, और अब एनईपी ने लगातार ये कहा है कि आर्ट इंटीग्रेट करें। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी एक बहुत ही बेहतर नमूना है। राइट, नाउ व्हाई आर्ट इंटीग्रेशन? तो यहां पर आप सब लोगों ने सुना होगा स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो यहां पर स्टेम को स्टीम बना दिया गया, स्टीम का मतलब आर्ट को इंटीग्रेट कर लिया गया। ये जितनी भी चीजें हैं ना, आर्ट के इर्द गिर्द घूमती हैं, जाने अनजाने, चाहे बिना चाहे। मैं आज अपने वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आर्ट इंटीग्रेशन कौन से क्लास तक होनी चाहिए, मतलब ये केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रॉस करिकुलर अप्रोच है, जहां पर जो पेडागॉजिकल प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोल लीजिए, यहां पर एक कोलैबोरेशन होगा बिटवीन टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड आर्ट्स। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, मतलब कि जहां पर ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ग्राफिक्स बच्चों को सिखाए जाते थे, ना ना ना, उसको रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि ये कोस्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट है जिसको बाद में स्टूडेंट या तो वोकेशनल एजुकेशन की तरह या कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह आगे परस्यू कर सकते हैं। तो ये बच्चे का हक है कि बच्चे को रेगुलर आर्ट एजुकेशन पढ़ाई जाए, उसके अलावा आर्ट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। भाई क्यों, ये तो सवाल बार बार मन में आ रहा है कि क्यों, वाई आर्ट इंटीग्रेशन? तो पॉइंट्स आपको बताती हूँ। आर्ट एजुकेशन से एक इंक्वायरी जनरेट होती है, क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, कैसे ये लिंक हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर डायरेक्टली आता है। आप जब भी करें कुलिनरी, मतलब कुलिनरी आर्ट्स बोलते हैं ना, खाना बनाने का पाक विद्या, देखिए कितनी ब्यूटीफुल आर्ट है। आप जब बनाते हैं क्या एक्सपीरियंस क्रिएट होता है कि अरे उसके हाथ का पुलाव खाया था, बहुत मजा आया, राइट। और वहां पर तो योर एक्सपीरियंस स्टेज विद यू, और आप वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो बिना सिखाए माँ जब घर में खाना बना रही हैं, आजकल तो पिता भी बना रहे हैं, तो बच्चे उसको सीख चले जाते हैं। लर्निंग या टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को बहुत ही जॉयफुल कर देते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों से लेकर अप टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक एंड इन हायर एजुकेशन, इनफैक्ट हायर एजुकेशन में तो क्रिएटिव डिजाइनिंग अपने आप में एक पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। आर्ट इंटीग्रेटेड क्यों? मल्टीडिसिप्लिनरी है जी, और क्योंकि ये टॉपिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। और यहां पर मैंने जैसा पहले ही कहा ना, लर्निंग इज इंक्लूसिव, हर एक के लिए, कोई पीछे नहीं छूटता है, हर एक को इसको कर सकता है। विजुअल एक्सपीरियंसेस से एक मेंटल इमेजरी क्रिएट होती है जो थिंकिंग प्रोसेस को हेल्प करती है। अब जैसे ही थिंकिंग प्रोसेस की आप बात करते हैं ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
कैसे इन चीजों से कुछ नया बनाए, हमने भी अपने स्कूल में अपने टाइम पर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसी चीजें करी हैं, तो जब वो बेस्ट क्रिएट हो जाता था ना, कितना मजा आता था देखकर। सारी चीजें भुला दी, बिल्कुल नॉन फैक्ट्स, लॉजिकल, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगे रहे और आर्ट को बिल्कुल ऐसा साइडलाइन कर दिया कि जिसका कोई पढ़ने लिखने का काम नहीं है वो ही आर्ट कर सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसको जल्दी से जल्दी सुधारते हैं और करेक्शन लेके आते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आर्ट को बैक स्टेज मिला, मतलब नहीं कर पाए हम उस अपने करिकुलम के अंदर। क्या सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है, कैसे करिकुलम में हर एक के साथ ऑर्गेनाइज करें। इतना टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट है कि फोकस सिर्फ नॉन लर्निंग करने पर है। ये है राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये फैक्ट है, इसको ऐसे लर्न कर लो। थ्योरम है, इसको ऐसे लर्न कर लो। राइट, ये तरीका है, फॉर्मूला है, इसे अकाउंटेंसी कर लो। तो खैर इससे काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज आर्ट इंटीग्रेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे कहा, इतने तरह के डांस फॉर्म्स हमारे इंडिया के, इतनी तरह की लैंग्वेजेस, इतनी ब्यूटीफुल तरीका लिखने का, है ना। हमारे देश में तो यहां तक ये डिफरेंस नहीं करते हैं, बच्चा को जैसे ही पढ़ने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में देखें तो हमारी रीजनल लैंग्वेज में से बहुत कर्वी लैंग्वेज है, और हमारी जो स्टैंडर्ड देवनागरी लिपि है हिंदी और इंग्लिश, वो भी बहुत कर्वी है, चाहे आप अ आ ई ऊ करें या आप एक दो तीन करें, और इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड 1 2 3 उसमें भी कर्वी है। तो यहां पर भी आर्ट अपने आप ही आ जाता है, हम सिंगल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कहीं से भी कहीं तक सिखाएं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बताती हूं, कम से कम 2 पीरियड हर क्लास के हर सेक्शन के लिए क्लासेस 1 to 10th तक आपको लगाने हैं आर्ट इंटीग्रेशन के अंदर। आप विजुअल आर्ट ले सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आर्ट्स 6 स्कॉलरस्टिक एरियाज के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, और कुकिंग को भी आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स आर्ट फॉर्म की तरह एजुकेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने वीडियो के अंदर ना आपको ये बताया आर्ट क्या है और आर्ट इंटीग्रेटेड आप कैसे करेंगे। देखिए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझना और सीखना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि बच्चों को बताया जाए। तो देखिए, आजकल तो फोटोशॉप के थ्रू, एप्स के थ्रू भी बच्चे डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो भी एक आर्ट फॉर्म है। जब बच्चे कुछ करते हैं तो अब आप एग्जीबिशन लगाते हैं, वो भी आर्ट फॉर्म है। रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, वीडियो बनाना, पीपीटी बनाना, स्लाइड शोज बनाना, ये भी आर्ट फॉर्म है। ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट फॉर्म है। हिस्टोरिकल हेरिटेज विजिट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना पोस्ट फॉरेस्टिक का, तो हेरिटेज प्लेसेस को जब हम विजिट करते हैं और उसके ऊपर कोई हम नैरेटिव्स बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, फोटोग्राफ्स खींचते हैं, आर्ट फॉर्म है। स्केचिंग, जैसे मैंने बोला, आर्ट फॉर्म है। राइट, स्कल्पचर या क्ले पेंटिंग आर्ट फॉर्म है। डांस को करना, कितने ब्यूटीफुल मुद्राएं होती हैं। राइट, और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो मैंने बता ही दिया है आपको, ज्वेलरी मेकिंग आर्ट फॉर्म है। पेपर माशे को बहुत बड़ा रोल दिया गया है हैंडीक्राफ्ट्स के तरीके से, और स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म, बिकॉज आप उसमें एक्सप्रेशन करना सिखा रहे हैं। इसके अलावा अनेकों अनेक तरीके, छोटे बच्चों को सॉन्ग्स और लिरिक्स सिखाना, कोलाज बनाना, क्राफ्ट्स बनाना, इंस्टॉलेशन आर्ट करना, वुड एंड मेटल वर्क, मेरी बात सुनकर ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, दीवारों के ऊपर कितनी सारी चीजें बनाकर लगाई हुई हैं आपने, मैंने और सभी ने। और अगर उन चीजों को आपने अंदर रख दिया था ना, टाइम आ गया, उसको ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में डिस्प्ले कीजिए, आपकी बनाई हुई आर्ट से बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। मुझे तो अच्छे से याद है कि मम्मा कैसे बेडशीट्स के ऊपर पेंटिंग करना, राइट, क्रॉस स्टिच करना, एम्ब्रॉयडरी वर्क करना, आर्ट वर्क पतले पतले ब्रशेस के साथ क्या ब्यूटीफुल आर्ट वर्क करा करते थे। और कई बार मेले में जाते ना तो चावल के ऊपर अपना नाम लिख के देते हैं, दे आर ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट। और हम एक पोटेंशियल चीज स्टूडेंट्स और बच्चों और लर्नर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, विच विल बिकम अ पैरेलल स्ट्रीम फॉर देम, दैट इन केस दे आर नॉट एबल टू परस्यू फॉर व्हाटएवर रीजन देयर एकेडमिक्स, दिस कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर देम। सो आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं या कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आज के लिए जय हिंद।